कहते हैं कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। एक किसी तरह का मामला हम आपको बताते हैं जो कि कन्नौज से सामने आया है, जहां पर बेटी की जान और इज्जत बचाने के लिए माँ बनी मर्दानी। बेटी को बदनीयती से उठा ले रहे बदमाशों पर टूट पड़ी माँ। बदमाश रहे पीटते, लड़ती रही माँ, बचा लिया बेटी को। डरी सहमी बच्ची, स्कूल जाने को रही डर। आवारा जानवरों से खेत बचाने के लिए खेत के पास बनी झोपड़ी में बेटी थी रुकी। पुलिस की संवेदनहीनता आई सामने। गंभीर मामले में महज 151 की कार्यवाही कर पुलिस ने आरोपी को छोड़ा। पीड़ितों का आरोप है लगातार बदमाश दे रहे जान से मारने की धमकी। पीड़ित से पुलिसकर्मी ने कहा पत्रकारों को मामला न बताना। पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार। एसपी ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश। तालग्राम थाना क्षेत्र का मामला। जरा से पढ़ते तो उसी में घुसी रहोगी, उसी में तुम्हें जल लगाना जरूरी है। क्या मामला हुआ था, कब का मामला था, क्या हुआ था बेटी के साथ? सर 14 तारीख रात की बात है। हम और मेरी लड़की, स्कूल के पास मेरा खेत है, तो जानवर, आवारा जानवर हमारी खेत की, हम रखवाली पे थे, तो वो रात में रखाते हैं गैया सड़वा खाते आलू। हम और मेरी लड़की रखा रहे तो कुछ लोग वहाँ तापते रहे। नंगा नाम का था लड़का, वो भी था जो हमला किया था, राम विलास, ये भी था। ये चले गए सारे लोग, रात के 11 बजे करीब आए। हम लोग सो रहे थे, हम और मेरी बच्ची। इसके बाद इन लोगों ने हमारी और बच्ची सो रहते के समय आए, तो राम विलास नंगा वो मेरी लड़की को उठा के लेके चला, तो मेरी लड़की चीख पड़ी। और मैं समझी कि कैसे सर्दी लगने लगी, मैं भी भागी। मेरी लड़की चीखी तो उसको मैंने जल्दी पकड़ा, तो उसने चाकू निखारा और मेरे को तना दिया, बोला मार दूंगी दोनों को अगर चिल्लाई। तो बेटी को उठाए ले जा रहा था आपकी? बेटी को उठा के ले चला। क्या उम्र है बेटी की? मेरी उम्र बेटी की 13 साल है। हाँ, फिर तो मैं चिल्लाई रोने लगी, आसपास के लोग भी आ गए। ये भागा, फिर वहाँ से इसका जैकेट पकड़ लिया कस के मैंने, तो फट गया तो छुट गया हाथ से। फिर मैं दौड़ी, इसका मुफलर पकड़ गया हाथ में कॉलर की जगह पे, तो मैं पीछू गिर पड़ी, भाग गया, फिर नहीं मिला। फिर मैं 100 नंबर पुलिस को फोन किया, 76 फोन लगाया, 10 76। इसके बाद पुलिस आई हमारे पास, उसको मौजूद हालात में पकड़ के उसके घर गई, तो उसके घर पे पकड़ के पुलिस ले गई 100 नंबर थाने में। थाने में दूसरे दिन मैं गई तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR कराई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसको पैसा जमा कर दिया 1,00,000 रुपया, उसको वहाँ से मुलजिम को फरार कर दिया, 151 लगा के चालान काट दिया। और मैं यहाँ से कन्नौज तक कप्तान को फ़ोन किया, उन्होंने भी मेरी बात कराई थाने में, मगर थाने वाले कोई माने नहीं और बोले जाओ चौकी पे जाओ, चलो सुलह करा देते हैं। तो तब भी कोई मेरी सुनाई कहीं नहीं हुई। तब मैं मजबूर में यहाँ कोर्ट तक आई, कन्नौज कप्तान के पास। जब आ जाई तो मेरी कप्तान के जो पास बॉडीगार्ड लोग होते, पुलिस थाने दरोगा कोई भी हो, वो कहते हैं कि पत्रकारों के उसमें नहीं पढ़ो, तुम अपने घर जाओ, जो कुछ लिख गया सो लिख गया, अपने घर जाओ। तो अभी कार्रवाई के लिए क्या बोला कप्तान साहब? कार्रवाई के लिए मुझसे बोला तुम्हारा चलो मुकदमा जाहिर है, जाओ दरोगा के पास फोन किया, तालीग्राम सीधे थाना जाओ। अच्छा, वो अभी वो बाहर है जो जिसने पत्रकार, वो जो मुलजिम है वो बाहर है, फरार है। तो क्या डर भी लग रहा आप लोगों को? डर लग रहा, मारने की धमकी दी थी मेरे को। बेटी के लिए भी डर लग रहा? बेटी को भी डर लग रहा, मेरे को भी डर लग रहा, मेरे सारे बच्चों को डर लग रहा। आपके पति क्या करते हैं? मेरा पति विकलांग है, 2 साल हो गए पड़े घर पे, टट्टी पैसा भी। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 4 हैं, बेटी की शादी कर दी, 2-3 बच्चे घर पे हैं, लल्ला 2 बिटियां। छोटे छोटे हैं सब? सब छोटे नहीं, लल्ला मेरा 14 साल का हो गया, बड़ी बिटिया 15 साल की हो गई, पढ़ रही स्कूल में इंटर में इस साल। और तो कोई साथ नहीं, घर वाला भी कोई नहीं साथ दे रहा, अकेले हैं इसलिए। बेटा क्या हुआ था आपके साथ, कौन से क्लास में पढ़ते हो? कहाँ पर? श्री राधा सामंडल कॉलेज उमरपुर। क्या हुआ था आपके साथ? हम और मेरी मम्मी खेत पे आलू रखा रहे थे, क्योंकि गायें ना सारे आलू खा जाती हैं। हम और मेरी मम्मी सो रहे थे 11 बजे के बाद, 11 बजे, और रामबिलास रात में आदमी, हाँ, और रामबिलास नाम का एक आदमी आया जो हमारे गांव में रहता है, तो वो मुझे उठा के ले जाने लगा, तो हम रोए चिल्लाए, तो मम्मी उठी और मम्मी को चप्पू दिखाया कि अगर मार देंगे अगर तुम दोनों लोग बोली तो, चिल्लाए, तो मेरी मम्मी उठी जब से और उसको पकड़ा तो उसका जॉकेट फट गया, और फिर उसका मतलब उसको मम्मी ने कॉलर पकड़ना चाहा कि पकड़ने भागना पाए, तो उसका मुफलर हाथ में आ गया वो, और फिर मम्मी को कोई नहीं मारी, फिर मम्मी गिर पड़ी और वो भागता चला गया।
कॉलर खींचा गया। पुलिस ने पकड़ा था उसको दोबारा, आपने उन्हें शिकायत की थी? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर पुलिस आई थी और उसे पकड़ ले गई थी। हाँ। और फिर उसे छोड़ दिया था अगले दिन। अच्छा, तो आपको डर भी लग रहा था क्या दोबारा आ जाएगा क्या? हाँ। डर लग रहा है? डर लग रहा मारने का। अच्छा, अभी कप्तान साहब से क्या कहा था? कप्तान साहब के पास क्या करने आए थे यहाँ पर? एप्लीकेशन लगाने आए तो वो बोलने लगे पत्रकार।